ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक ग्रह की अपने कुछ विशेषताएं होती हैं। शुक्र की बात करें तो यह विलासिता का कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली के 12 खानों में रहते हुए अलग अलग प्रभाव लोगों के जीवन पर डालता है। इसमें कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर अगर शुक्र बेटा हो तो व्यक्ति अपने प्रेमी प्रेमिका से झूठ बोलता है या लड़कियों को गलत इरादे से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वर्तमान में हम इसी तरह के केस महानगरों में देख रहे हैं जहां लोग ठगी का शिकार मोबाइल के द्वारा हो रहे हैं। आखिर किस समय व्यक्ति झूठ बोलता है या अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी प्रसिद्ध ज्योतिषी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बसंत सोनी से। मैंने अध्ययन किया है कि कई लोग, मैंने अभी आपको बताया दीपक जी कि कई लोग कुंवारे होते हैं, कई लोगों की एक से अधिक लड़कियों से प्यार अफेयर मोहब्बत चालू रहती है और वो लोग को लड़कियों की कभी कमी नहीं रहती और लड़कियां भी जानते बूझते हुए भी शादीशुदा लोगों पे लाइन मारती है। तो ऐसा क्यों, इसके ऊपर मैंने काफ़ी अध्ययन किया है और मैंने प्राप्त ऐसा अनुभव किया है कि उस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बहुत पावरफुल रहा है। इसकी वजह से कुंवारी लड़कियां भी शादीशुदा लोगों को प्यार करने लगती है और आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े शहरों में, महानगरों में इस प्रकार की घटनाओं की संख्या बढ़ते जा रही है। उसमें मोबाइल प्लस शुक्र ग्रह का बड़ा योगदान है। शुक्र सप्तम भाव का कारक है, पति पत्नी के बीच में प्रेम शुक्र ग्रह बढ़ाता है। व्यक्ति की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा चल रही हो और शुक्र 12वें स्थान पर बैठेगा तो महिलाओं से झूठ बातें करेगा। महिलाओं के साथ साथ में वो पुरुष से भी झूठ बोलने के प्रयास करेगा, लेकिन 11वें स्थान पर भी शुक्र बैठेगा तो वो प्रेम भरी बातें करेगा और लड़कियों से बात करके उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। अब महिलाओं से शुक्र का प्रभाव अष्टम भाव में होने पर महिलाओं से धोखा खाने का योग बनता है। पर जिसको झूठ बोल रहा व्यक्ति, वो व्यक्ति कैसे पता लगाएगा कि मुझसे झूठ बोल रहा है? उसकी बातों में आप देखेंगे वो आंखें में आंखें डाल के बात नहीं करेगा और शुक्र की वजह से वो बार बार आंखें को इधर उधर घुमाएगा। यदि व्यक्ति आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है मतलब सत्य बोल रहा है, इधर उधर छुप रहा है, आंखें इधर उधर मटका रहा है तो आप समझ लो बार बार नीचे मुंह कर रहा है, हंस रहा है, 100% वो झूठ बोल रहा है। हम सामने वाले की कुंडली का अध्ययन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हमारी स्वयं की कुंडली का अध्ययन तो कर सकते हैं। जब हमारी कुंडली को हम देखेंगे, जब चंद्रमा 6वें, 8वें या 12वें स्थान पर होगा उस समय हमारा नुकसान होने का योग बनता है। जब सामने व्यक्ति यदि हमें कोई बात समझा रहा है और इन ग्रह पे चंद्रमा रहेगा तो हम ये मान के चलो कि अपने साथ धोखा होने का योग बनता है और वो व्यक्ति अपने साथ झूठ और फरेब कर रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर बसंत सोनी विगत 21 वर्षों से ज्योतिष में शुक्र ग्रह पर अध्ययन कर रहे हैं। रत्नों और ग्रहों पर उन्होंने पुस्तकें भी लिखी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। साल 2023 में उन्हें विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा शुक्र ग्रह पर किए गए अध्ययन की सराहना करते हुए वराहमिहिर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस खबर में दी गई जानकारी राशि धर्म और ज्योतिषी के अध्ययन के आधार पर कही गई है। बताई गई किसी भी बात का न्यूज 18 लोकल व्यक्तिगत समर्थन नहीं करता है। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।